अपोजिशन के वार से बचने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली की तैयारी। वजीर आजम इमरान खान आज कराची आ रहे हैं। इत्तेहादी जमात एमक्यूएम राबता कमेटी के अरकान से मुलाकात करेंगे। पीर पगारा ने वजीर आजम से मुलाकात से माजरत कर ली। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, अपोजिशन की मुलाकातों में तेजी। शहबाज शरीफ की सिराजुल हक से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर बात। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की भी मुलाकात होगी। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस, इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत आज फैसला सुनाएगी। असद उमर, परवेज खटक और शफकत महमूद समेत 11 वुजरा की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया गया था। सदर आरिफ अलवी की इस्तिस्ना खत्म करने की दरख्वास्त मंजूर होगी या नहीं, फैसला आज होगा। फैसल वावदा की नाअहली के बायस सिंध से सैनेट की खाली नशस्त पर पोलिंग। तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम का वोटिंग का बॉयकॉट। तरमीमी ऑर्डिनेंस भी काम ना आया। इंतखाबी ज़ाबता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आजम सवाती तलब। इलेक्शन कमीशन ने वजीर रेलवे आजम सवाती को 10 मार्च को तलब कर लिया। आजम सवाती ने इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। लाहौर में शौहर ने बीवी को तशद्दुद के बाद जलाकर मार डाला, बेटी को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये की तहकीकात जारी।